बिजनौर में रविवार को उस समय एक दर्दनाक हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। दरअसल ये दर्दनाक हादसा बिजनौर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के झालू रोड पर रविवार देर रात उस वक्त हुआ जब गांव बल्ला शेरपुर थाना नेटोर का रहने वाला 18 वर्षीय विशाल पुत्र राजपाल अपने दोस्त 20 वर्षीय ऋतिक पुत्र शिवम के साथ अपनी बहन को छोड़ने के लिए बिजनौर के सदुपुरा आया हुआ था और देर शाम बहन को छोड़कर बाइक से ही अपने दोस्त के साथ घर बल्ला शेरपुर लौट रहा था। बताया जाता है कि जैसे ही वे लोग काली मंदिर से आगे झालू रोड पर पहुंचे तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इतनी टक्कर भयंकर थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट TV1 भारत। मेरा नाम सुमित कुमार है। जो ये एक्सीडेंट हुआ है कहां पर हुआ है और कौन लोग थे? ये एक्सीडेंट ऐसा हुआ है बल्ला शेरपुर से विशाल कुमार सुनो राजपाल सिंह और ऋतिक कुमार सुनो भीषम सिंह। ये विशाल कुमार अपनी सिस्टर को बिजनौर के पास सदुपुरा छोड़ने गए थे तो उधर से वापिस आते हुए बल्ला शेरपुर मतलब घर आते हुए तो रास्ते में ये काली का मंदिर पड़ता है ना, काली का मंदिर से आगे 2 किलोमीटर के पास वहाँ पे इनका एक्सीडेंट हुआ। ये पता नहीं वाहन कौन सा था सामने से टक्कर हुई नहीं अपनी साइड गिरी है कोई दिक्कत नहीं कि ओवरटेक करते हुए वही फॉर्म हुआ है इनका। अभी ये पता नहीं चला कि वाहन बहुत सामने ऐसा वाहन कौन सा नहीं था। दोनों की मौत हो गई है? हाँ दोनों की मौत तो वहीं पर हो गई थी दोनों की। कोई घायल तो नहीं है इसमें? घायल नहीं है इस टाइम। क्या क्या करते थे दोनों? ये पढ़ाई करते थे। कौन कौन सी? ऋतिक कुमार ये बीए कर रहा था और जो ये विशाल है ये इंटर में था तो इंटर कर चुका था इन्हें एडमिशन नहीं लिया था। इस बार बहन को छोड़कर के लौट रहे थे वापस जी, ये घर वापस हो रहे थे।